जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां नगर पालिका की दुकानों को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। दरअसल सुभाष चौक नगर पालिका की दुकानें जर्जर होने पर नगर पालिका ने दुकानों का नवनिर्माण करने को ठेकेदार को ठेका दिया था। वहीं जब 8 मई को ठेकेदार ने दुकान का काम शुरू किया तो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने ठेकेदार से अभद्रता कर काम बंद करा दिया, जिसके चलते विगत दिन नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने पुलिस को फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर काम शुरू कराया। काम शुरू होते देख पड़ोसी भड़क गए। उन्होंने अपने साथियों को मौके पर बुलाकर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर हंगामा काटा। वहीं पुलिस ने किसी तरह समझाकर काम को शुरू कराया। इसी दौरान निगम अधिकारी शाहिद अली ने बताया कि कई वर्षों से इन दुकानों का शांता प्रसाद ओम प्रकाश और दिनेश कुमार को किराए पर दे रखा था और दुकानों का किराया नहीं दिया गया, जिसके चलते दुकानों का फिर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। दुकानें काशीपुर बस स्टैंड के पास थी, जो नगर पालिका के किराएदार थे शांता प्रसाद ओम प्रकाश और दिनेश कुमार ने किराया ना जमा करने की वजह से नगर पालिका ने उन दुकानों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था कि इन दुकानों को तोड़कर दोबारा बना दिया जाए और इन दुकानों को नीलाम कर दिया जाए, जिसके क्रम में नगर पालिका द्वारा दुकानें बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया था, किंतु कुछ लोगों द्वारा बीच में अवरोध उत्पन्न किया, उनके खिलाफ नगर पालिका ने तहरीर दे दी। इसके क्रम में आज ये निर्माण का कार्य पुनः आरम्भ कराया गया है।